आज हम बनाएंगे 5 बैंड एक्वलाइजर बोर्ड जिसमें 3 आईसी NE5532 लगी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये पीसीबी हमने PCBA.com से बनवा कर मंगवाया। कैसे मंगवाया इसके विषय में वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले बोर्ड बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने जो भी पीसीबी मंगवाए थे उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, वो ये है कि इस बोर्ड में कुछ होल हैं जो स्लॉट में कटे हैं इस प्रकार के, और इसके कॉर्नर भी राउंड कटिंग में है, और ये पीसीबी दोनों साइड से प्रिंट है, और ये हैं इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स। आप चाहें तो ईटी सोर्स से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख कर ले सकते हैं। अगर आप सिंगल साइड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगेंगे 2 जम्पर और लगेंगी 2 रेजिस्टेंस 100K की। इसमें सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट की हैं। 10 रेजिस्टेंस लगेंगी 10K की। एक एक पीस है, 1 के रेजिस्टेंस और एलईडी। ये दोनों केवल पावर सप्लाई देखने के लिए, आप चाहे तो इसे ना लगाएं। दो जीनियर डायोड है 15 वोल्ट के, इसमें प्लस माइनस होता है, निशान देखकर लगाएंगे। 3 पीस आईसी है इसमें NE5532, इसका कट देखकर लगाएंगे इस प्रकार से। एक कैपेसिटर है 470 PF जिस पर 471 प्रिंट रहता है। 2 कैपेसिटर है 9022 जिस पर 222 प्रिंट रहता है। दो कैपेसिटर है 01 जिस पर 103 प्रिंट रहता है। 2 कैपेसिटर है 047 जिस पर 473 प्रिंट रहता है। 2 कैपेसिटर है 0.22 जिस पर 224 प्रिंट रहता है। वैसे इस पर आप देखेंगे तो 0.22 प्रिंट है। एक कैपेसिटर है 0.56 UF जिस पर 564 प्रिंट रहता है, इस पर भी 0.56 प्रिंट है, ऐसा भी होता है। 2 कैपेसिटर है 470 UF 25 वोल्ट में है, इसका प्लस माइनस देखकर लगाएंगे। इस प्रकार के कैपेसिटर में प्लस माइनस होता है। 2 पीस कनेक्टर बेस हैं ऑडियो इन और आउट के लिए, ये दोनों हम नीचे की साइड लगाएंगे। इस तरह से देखकर लगाएंगे कि इसका प्लस माइनस सही रहना चाहिए, जब हम पीछे की साइड लगाएंगे तो ये सब उल्टा हो जाएगा। इन्हें ऊपर से सोल्ड कर लेते हैं। एक कनेक्टर बेस लगाएंगे पावर सप्लाई के लिए, इसे भी इसी प्रकार से देखकर लगाएंगे, इसका प्लस माइनस पलटना नहीं चाहिए, प्लस माइनस सही रहे। अब पलट कर करेंगे कटिंग, उसके बाद सोल्डिंग। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं।
अब इस साइड से लगाएंगे 6 पीस स्लाइड पोटेंशियोमीटर। ये 50 mm है। स्लाइड को नीचे ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे टच हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर ही रखना है, इसमें गैप रखना है पीसीबी और इसके साथ। सभी स्लाइड की एक एक पिन सोल्ड नहीं करनी है, बाकी सोल्ड कर लेनी है। सभी स्लाइड को ऊपर से रब कर लेंगे। और एक टिन वायर सभी पर सोल्ड कर लेंगे। और ग्राउंड वाले पॉइंट पर मिला लेंगे। अगर आप बिना घिसे इसे सोल्ड करेंगे तो ये सोल्डर इस पे चिपकेगा नहीं, ये देखिए। अब इसे प्ले करके देखेंगे। आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। हम 3055 के बोर्ड से प्ले करेंगे। ये बोर्ड हम पिछली किसी वीडियो में बना चुके हैं। इसमें जो पोटेंशियोमीटर का कनेक्टर है उस पर इस प्रकार से 2 पिन ज्वाइंट करके कनेक्टर लगा लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम अब एक्लॉजिक के बोर्ड में है। एक 2 पिन का कनेक्टर लगा लेंगे। और इस बोर्ड को प्ले करने के लिए चाहिए एक ट्रांसफार्मर 12012 का, 1 एम्पियर में चल जाएगा। इसको इतना हैवी सर्किट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो 4007 डायोड जो आता है उससे ब्रिज बनाकर लगा सकते हैं। एम्पलीफायर बोर्ड से आने वाली कनेक्टर वायर इस बोर्ड के आउट से कनेक्ट कर लेंगे। अब इसमें ऑक्स सर्किट कनेक्ट कर लेते हैं फोन से कनेक्ट करने के लिए। आप चाहें तो यूएसबी MP3 कार्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट कर लेते हैं। अब प्ले करेंगे। अब बात करेंगे पीसीबी कैसे मंगवाया। सबसे पहले सर्च करेंगे पीसीबी पे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। अब यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ डिजाइन डालेंगे, फिर साइज, फिर क्वांटिटी, फिर लेयर, फिर मटेरियल, थिकनेस और मिनिमम स्पेस, होल, फिर कलर,
उसके बाद बाकी भी आप देखकर भर देंगे। फिर नीचे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ गड़बड़ फाइल अपलोड कर देंगे। थोड़ी देर बाद में ओके हो जाएगा। अब यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ एड्रेस डालने के लिए आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन है पे करने के लिए, ओके कर लेंगे, पे करने के लिए आ जाएगा। फिर एक सप्ताह बाद ये हमें मिल गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।